दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया की आबादी बसती है। यहाँ हर समाज, हर वर्ग के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इस देश का इतिहास काफी पुराना है और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हर किसी को नहीं पता। आज की वीडियो में हम भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तैरता हुआ डाकघर। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 155,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है न हैरानी वाली बात। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। बांद्रावली समुद्री जोड़ में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे और इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह मानव कला का बेजोड़ नमूना है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चायल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहाँ एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट ही याद आता है, जैसे कभी हॉकी याद आया करता था। हालांकि भारत की पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। चंद्रमा पर भारत ने ही पहले पानी खोजा था। यह बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरोलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। मई 26 को वहां साइंस डे के तौर पर बनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़ा रहा। अपने खांटीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% हिस्सा ही लेता था। भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के करियर पर रख कर ले जाया गया था। भारत में हाथियों के लिए स्पा बाथ की व्यवस्था है। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ हाथी को नहला धुला कर चमकाया जाता है। दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले भारत में है। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ।